धन्यवाद। अपने विच अज बहुत ही सत्कारयोग जिन्हां नूं आपां काफी देर तो उड़ीक रहे हां, लगभग हर एक नौजवान दे दिल दी धड़कन दीप सिद्धू जी ते एक बहुत ही होर महान शख्सियत इन्हां दे नाल जिन्हां नूं असीं बड़ी देर तो जाणदे हां, जिन्हां दी बड़ी कुर्बानी है, बड़ियां जेलां कट्टियां ने बाबा बख्शीश सिंह जी, क्योंकि साडा भी सारी जिंदगी लगभग 10-15 साल संघर्ष विच ही लंघे, कदे जेलां चल गए कदे थाणियां च, इसे तरह सारी जिंदगी पहला लगभग कट्टी है। आओ, क्योंकि कुछ लैण वास्ते कुछ ना कुछ करना पैंदा है। संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरखां दा वचन सी कि को किसी को राज न दे है जो ले है निज बल से ले है। प्यार आओ, मैं ज्यादा समा ना लावा क्योंकि मैं पहले बेनती करांगा बाबा बख्शीश सिंह जी नूं कि ये अपने थोड़े जे विचार रखण, फिर उस तो बाद विच बाबा दीप जी आओ ना पासो सरवण करो। बहुत भागा वाले हाँ जिहड़े अज इस स्थान ते आए हाँ। बाबा जी ने बड़ा शौर्च दस्सिया, संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालियां दी जिहड़ा साथ आ उह इन्हां ने मानिया, ते उस समय सब तो खतरनाक जेल सी जोधपुर, जिहदे विच अपने साथियां समेत बाबा जी लम्मा समा रहे, ते संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालियां दा इन्हां ने साथ मानिया, साडे लई बहुत बहुत सत्कारयोग ने, ते कुछ इन्हां दे साथी ते असीं नाभे जेल च इकट्ठे वी लम्मा समा बिताया। सो मैं बाबा जी ने तुहानूं इक गल कही आ कि फतेह ढिल्ली आ, कहिंदे जिहड़ा बुलाउंदा ढिल्ली फतेह ओहनूं नहीं मिलदी कदे फतेह, जिहड़ा बुलाउंदा गज के फतेह ते ओहनूं मिलदी आ भज के फतेह। सो फतेह दा जवाब गज के फतेह देना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सिर्फ इन्नी गल ही कहनी आ कि सच दा जिहड़ा राह आ गुरबाणी दे अनुसार कन्यो तिखी वालो निक्की एत मार्ग जाना, खंडे तो तिखी ते वाल तो ब्रीक ए लाइन आ जिहदे उत्ते आपां चलना आ। इस लाइन दे उत्ते जो तुसीं चलोगे ते हजारां ही अंकड़ां आउणगियां, तिलक सकने आ, पर जदों तुहानूं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का ओत आसरा होगा तो तुहाडे सामने दुनिया की हर ताकत छोटी होगी, क्योंकि गिनतियां मिनतियां जिहड़ियां ने वो साडे फलसफे तो कितें बहुत। अपने सामने जिहड़ी वड्डी एक जंग लड़ी गई आ दुनिया की चौथी पावर दे नाल, ते उहनां नूं जिहड़े रंग उत्थे विखाए उहनां जोधियां ने वो साडे सामने आ। सो गिनती दे विच अज भावें असीं दीप सिद्धू दे नाल बहुत थोड़े हाँ, पर मेरे ख्याल च ये सारे उस गढ़ी दे जिहड़े वारस ने उहनां दा ही काफला आ, ते सानू रोकणा इस जिहड़ियां झूठियां हुकूमतां ने जिहड़े झूठे तख्त ने उहनां दे रोकण दा उह किसे भी कीमत ते सानू रोक नहीं सकते। उहनां दे वस दी ये गल नहीं, क्योंकि असी अकाल दे पुजारी हाँ, अकाल तख्त दे पुजारी हाँ। सो इस करके साडा रख है जिहड़ा आ उह इन्नी वड्डी ताकत रखदा है कि जिहदे लई सानू कलगीधर पातशाह ने बख्शिशां कीतियां, बेशक अज असी खुद उहनां वचनां दे उत्ते नहीं सही तरीके नाल चल रहे, पर फिर भी मापे कमापे कदी नहीं हुंदे, पुत्तर कपुत्तर बेशक हो जाण। असी बेशक कई गल्लां तो बोल गए हाँ, पर सानू अपने प्यो दे उत्ते माण आ कि कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज साडे सिर ते मेहर भरिया हथ रखणगे, खुआर होए सा मिलेंगे, बच्चे शरण जो होए असी उहदी शरण च सदा ही रहांगे। सो मैं बहुतियां ज्यादियां गल्लां नहीं करदा, इन्नी गल जरूर कहांगा कि दीप दे इर्द गिर्द बड़ा वड्डा जाल बुनिया जा रहा है, उस जाल नूं पहचानण दी लोड़ आ। बेशक हुकूमतां सदा ही
सच बोलन वालियां दे इर्द गिर्द झूठ दियां वड्डियां कंधां उसार दियां ने ते उन्हां कंधां दा वजूद रेत तो भी भैड़ा हुंदा क्योंकि सच दे सामने कोई भी चीज टिकदी नहीं पर सच दा जिहड़ा मार्ग है जिहड़ा राह आ ओह घट्टो घट्ट शहादत वल नूं जांदा आ सो साडा इस स्थान तो मैं तां घट्टो घट्ट इह कहांगा कि जिन्ना चिर वाहिगुरू दा ओट आसरा आ उन्ना चिर दीप दा साथ असीं कदी भी नहीं छड्डांगे ये कदी भी नहीं होगा कि ये दीप कला है ते पिछे कोई नहीं असी जिन्ना चिर साडे च सार है असी सदा ही उस वाहिगुरु का ओट आसरा तक के सच दे नाल खड़ांगे सो मैं अपने वीर दीप सिद्धू नूं कहांगा कि संगतां दे रूबरू होए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बाबा जी बड़े सत्कारयोग साडे नाल खड़े है इतिहास दे ओह पल माणे होए आ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਹੋਂਦ ਦੇ ਹਸਤੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਚ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹੀ ਲੜਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗ ਆ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗ ਆ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਆ ਦੇਵਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚ ਜਿਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਤਯੁਗ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਯੁਗ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਤਯੋਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦੈਂਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਵਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੈਂਤ ਬਿਰਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਗਈ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤੇ ਆ ਉਵੇਂ ਖਿਲਵਾੜ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚ ਪਈ ਆ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਆ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਪਈ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਪਛਾਣ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਆ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ ਉਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਜਨੇਊ ਪਾਓ ਤਾਂ ਜਤ ਸਤ ਦਾ ਪਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਦੇ ਟੁੱਟੇ ਇਹ ਧਾਗੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾ ਮਾਣ ਜਨੇਊ ਰੋਜ਼ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਇਹ 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 ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਫਰਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਮਾਂ ਹੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ
शाही खालसी ने फरमान पढ़िया, पर अज परमात्मा ने किया कि अकाल पुरख वाहिगुरु ने उस लाल किले से गुरु तेग बहादुर साहब का झंडा लाता जाके। जित किहदी हुई, किहदी हुई जित, तुसीं सोचो तो सही इस गल नूं। ये आपां थोड़ी किया कुछ, ये तो संगत ने करता। संगत च कौन वसदा? गुरु वसदा। उस गुरु की कितने ना कितने रजा होंदी है, तो यह जे वड्डे वरतारे वापरदे आ। यह सिंबोलिक गल होंदियां, इतिहास के इन्हों वरतारियां नूं समझना, फिर जिहड़ा माड़ा मोटा अध्यात्म नूं समझदा उन्हां बंदियां दे वस दी गल आ। दूजे नहीं समझ सकते, दूजे नूं तां ऐ हुंदा यार बड़ा माड़ा, कईआं ने कहा बड़ी माड़ी गल होई यार, कई कहिंदे नहीं इदों तां वधिया गल ही नहीं हो सकती। पर इहदे पिछे कारण कित्थे पिआ? कुदरत दा नियम आ, कदे भी चाहे सालां बाद तुसीं वेखो बाबा बघेल सिंह उदों बाद किन्ने वारी उत्थे साडा निशान चढ़ाउंदा रिहा। साडे बंदे गए, किसे ने मिथी नहीं सी गल, किसे नूं याद चेती नहीं सी इह गल भी आ भी वरतारा वापरना। उत्थे गए किले च वड़े किसानी झंडा ते निशान साहब उत्थे ला के आ गए। चाहे सरकार दा यह ट्रैप ही सी, सरकार ने कोई कमी नहीं छड़ी उते भी लोकां नूं वाड़ लो दिल्ली च ते मुड़ के असीं दंगे करा दांगे। ये तो इन्हां दा बीजेपी वालियां दा तां इन्हां दा तां यह स्पैशैलिटी आ ना, इन इस गल च महारत हासिल आ इन्हां नूं तां। पर साडे वालियां ने ना कोई घर लुट्टिया, ना दुकान लुट्टी, ना किसे नूं मारिया खोया, कुछ नहीं कीता। जात ते च रह के ते लाल किले जाके आपदा जिहड़ा काम करना सी सिंबोलिक। बाबा बघेल सिंह भी यही करता हुंदा सी भी एक वारी जितना ही है यार। हुण इस गल नूं इतिहास दे संदर्भ च समझना भी उत्थे अच्छा उही लाल किले च फिर एक इन्हां ने अकैडमी बनाई हुई है जिथे जिहड़े बंदिआं नूं फड़ लैंदे आ उन्हां ते फिजिकल टॉर्चर करदे आ, मैंटल टॉर्चर करदे आ, जे नहीं टुटदे तां उत्थे लिया के फिर टॉर्चर करदे आ। उत्थे लिया के साइकैट्रिस्ट नूं बुलाउंदे आ, आपदे साइकोलॉजिस्ट नूं बुलाउंदे आ, ते उन्हां फिर माइंड वॉश करदे आ। इह हकूमतां ऐं कम करदियां, क्यों गलबा पाउणा लोकां ते, लोकां नूं गुलाम बनाउणा, आपदे हिसाब नाल चलाउणा, तुहाडे सभ्याचार तुहाडी होंद ते हस्ती नूं खतम करना। उन्होंने आपदे हिसाब के लोग घड़ने, आपदे हिसाब के मनुख घड़ने, उन्होंने वह बंदे नहीं घड़ने जिहड़े अकाल पुरख वाहिगुरू ने साजे आ, जिहड़े किसी के अधीन नहीं आ, उस परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू के अधीन आ। वह बंदियां की लोड़ नहीं उन्होंने, पर जिहड़े कौमां दीआं जमीरां जागदियां वह फिर खड़दियां ते असीं खड़े। और ये कमाई कित्थों आई? ये इन्हां रहिबरां दी, इन्हां गुरुआं दी दित्ती हुई कमाई आ, पता नहीं कितों प्रगट हो जानी आ। एक गल मैं 25 तरीक नूं रात नूं इहदा अहसास कीता सी, भाई जी जदों उत्थे लोकां च एडा रोह सी ना जिहड़ा, ते लीडरशिप उस वेले है नहीं सी स्टेज ते, जदों पहला लखा गया फिर मैनू बुलाया गया सी जाके माहौल नूं टकाया, पर उहदे पिछे भी कुछ पिया सी, और रोह दे पिछे भी कुछ पिया सी। उही गल सानू एनालाइज करनियां पैंदियां, चीज़ां नू समझना पैंदा। एक वक्त इस कौम ते वो आ जांदा, इस एक लहर इहो जी बन जांदी है जदों पंथ प्रगट हो जांदा, वो परमेश्वर दा अकाल पुरख वाहिगुरू दा जो साजिया होया पंथ वो प्रगट हो जांदा, ते उह ऐं सिर तली ते रख के फिरदा भी दसो सही हुण की करना। वह टाइम सी उह, उस वेले हुण पुरातन समयां च जदों पंथ ने ओ अहसास करने हुंदे सी पल, उस वेले तां अगे जरनैल हुंदे सी खड़े, जिहड़े फिर जंग दे मैदान च जाके दो दो हथ करदे सी, ते उस गल दा उस रोह दा एक क्लोजर मिल जांदा सी। इत्थे जरनैलां दी घाट, ते उस जदों उस रोह का क्लोजर ही नहीं मिलिया फिर लोग 26 नूं तां ही आप महारे हो गए ना, संगत रूपी गल जाके लाल किले च वड़ गए। असीं गल्लां नूं समझदे नहीं, सानूं अध्ययन नहीं करना आउंदा, असीं तोहमतां च एक दूजे ते लत्तां खिचदियां असीं इत्थे ही रह जांदे आ, एड्डी शैलो हो गए उत्ते वाली सतह जी ते ही रह जांदे आ, थल्ले की पिया गहराई च की पिया ये गल्लां कदे नहीं समझियां असीं।
स्टेट किवें काम करती है, सरकारां किवें काम करती हैं, स्टेट क्राफ्ट की हुंदा। हुण साडी किसान लीडरशिप साडे आगू है, साडे ही आ, पर किवें तुसीं देखो स्टेज तो भाषा की वरती जा रही है कि संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज तो असीं आपस च ही उलझे फिरते हैं। लड़ाई साडी सरकार नाल आ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਏਕਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਏਜੰਟ ਆ, ਔਰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ। पर क्यों करते हैं असं, क्योंकि असं उत्ते ही रहने, सानू थलड़ी जिहड़ी एक लेयर आ उहदी तां समझ ही है नहीं। स्टेट या सरकार किवें काम करती है, स्टेट क्राफ्ट की हुंदा, जिहनू स्टेट क्राफ्ट की समझ होवे ना उहनू पता लग जू बंदा साडा कि इह बगाना। स्टेट क्राफ्ट जे लीडरशिप नू ना समझ होवे तां उहनां दीआं हमेशा ही कैलकुलेशनस जिहड़ीआं गिनतियां मिनतियां उह गलत होणगीआं। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਸਟੇਟ ਕਰਾਫਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੋਲੂਗੀ, ਲਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੱਢ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਕੀ, ਬੰਦੇ ਕੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਘੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਹੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਆਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਰੀਤ ਸੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਬੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਘੱਲੂਘਰ ਆ ਸਾਡਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕਤਲੋਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲੋਂ ਬੱਧੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਲਿਆਕਤ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਜੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਫੜੀ ਵੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੰਬੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰਪੈਚੂਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਦੀਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਪਲਸ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਇੰਪਲਸ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗਲਬਾ ਰਹੇ, ਆਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ,
असी होर सिविलाइजेशन्स तो होर किसी कौमां तो कुछ नहीं सीखिया, आपके इतिहास तो ही कुछ नहीं सीखिया। सो क्यों नहीं सीखिया? क्योंकि जिहड़ियां साडियां संस्थावां संप्रदावां टकसालां वह भी खत्म करती। अज आर एस एस बीजेपी की कर रही है? आए नहीं बंदे भेज दी भी एक बंदा भेज दो तो कुछ कर दूगा, नहीं, वो सानू जथेबंधक नहीं होण दे रहे। तुसी दसो साडी कोई जथेबंदी बची होवे जिथे जिहड़े राजनीति बंदे आ राजनीति करदे आ उन्हां दा दखल अंदाज ना होवे, कोई एक ही दिखा दो मैनू बंदे प्लांट कर। ये तो बहुत गल्लां सन जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वेले यही गल चलती सी वी प्लांट कीता यार, वह कर की रहा थोड़े लिए, गल की पेश कर रहा, वह तो सुनो, नैरेटिव तो सुनो, पंजाब का नैरेटिव की होना चाहिए यदि समझ हैगी किसी नूं? पर असी गल वह मिथ लेनी है, मन लेनी है। उन्होंने थोनू कट्ठे ही नहीं होन देना, उन्होंने जथेबंधक नहीं होन देना, जिहड़े साडे ढांचे बने हुए आ उन्हां ढांचे नूं तोड़ता। सो सानू तो मुड़ उसारी करनी पेगी, राजनीतिक तो समाजिक ढांचे की भी मुड़ उसारी करनी पेगी। किसानी दे इस घोल च बड़ा कुछ सानू मिल सकता, एका रखना पेगा। साडे बजुर्गों नूं मैं जिथे भी जाना यह बेनती करदा आगूआं नूं भी थोड़ी अगवाही च ही लड़ांगे, असी तो संगत च बैठने वाले बंदे हाँ, तुसी साडे आगू हो, थोड़ी अगवाही च लड़ांगे। इत्थे ना मैं चोणां लड़ना आ ना लीडर बनना आ, मेरे तो एक विरसे की आपकी चीस पई अंदर वह लै आई जिमें थोड़े सारे अंदर होगी। सो इन जड़िया अज गल चलो आप हूँ जिम्मेवारी थोड़े सारिया भी है भाई जी, जिनी मेरे मोढ़िया जिड़ी जिम्मेवारी है उन्नी वो थोड़े मोढ़िया है, यदा सांझी लड़ाई है। सांझी लड़ाई तो फिर एक रह के लड़ी जाती होंगी, फिर ही इस सरकार विरुद्ध आप लड़ सकेंगे, नहीं तो यह इन्ने निर्दयी बंदे आ, यह किसी हद तक जा सकते हैं। इन्हां च इंसानी गुण नहीं, इन्हां च जानवर बिरती है। सो गल्लां बहुत आप सारी रात ही करी जाइए चाहे, पर सानू समां भी लंबा चाहीदा, होर जदों किते अपना सबब बने फिर अवें कट्ठे रल मिल के बैठांगे गल्लां करांगे। पर इन्नियां क गल्लां मैं थोड़े नाल करनियां सी, मेरे वल्लों बहुत सारा प्यार ते सत्कार, एके च रह के आपदी होंद दी लड़ाई लड़ गए असी, ज्यौंदे वास्ते रहो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। आप जिन्हें भी आए हैं सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने अखीर विच गल करी है, मैं जदों दा मोर्चा लगा उदों दी शुरू कीती है, मेरी सब तो पहली इंटरव्यू हुई सी उहदे विच मैं यही गल करी सी भी जेकर असीं एक होवांगे ना तो फिर साडी गल बन सकनी है। किसी ने लिखा है दाल दली हुई रिन्हण दे काम आवे, जे दाल नूं दल दईए ना उह रिन्ह के किसी दे खाण दे काम आ जांदी है। दाल दली हुई रिन्हण दे काम आवे, जेकर बीजीए फिर नहीं उग सकदी। दो धड़ियां च रह के खालसा जी कदे वैरी ते तड़ी नहीं पुग सकदी। एका कुलियां नूं स्वर्ग बना दिंदा, ढा दिंदी है फुट चुबारियां नूं, चप्पू दोवें जेकर मजबूत होवन चुम लैंदी है किश्ती किनारियां नूं। सो एकता दी जिहड़ी बहुत लोड़ है, गुरु की बाणी ने भी सानूं इह सिख्या दित्ती है, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबधा दूर करो लिव लाए, हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख वैसो सफा विछाए। आओ हुण ज़्यादा समा नहीं, आप सारिआं वल्लों बहुत ही सत्कारयोग बाबा बख्शीश सिंह जी, उन्हां नूं सन्मानित किया जाणा है, उन्हां नूं बेनती है वह अपना सन्मान लैण। ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਲਾਨ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਏ ਏਕੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਵਰਖਲਾਫ ਰਹਿਣ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ,
पर मैं लगता साडा मकसद बहुत बड़ा इन्हां गल्लां नूं भुल के असीं इकट्ठे हो के तुर गए बहुत साडी वड्डी जरूरत आप ही है सिद्धा तुसीं तुसीं उहनां नूं बड़ी सलाह दित्ती है कि इकट्ठे रहो इकट्ठे हो इकट्ठे होना चाहिए पर तो किते ना किते तुहाडी गल्ल ओह मन दे नज़र नहीं आ रही क्यों भाई जी ये पता की है कई वारी ना विच मैं क्योंकि अज तक बैठा नहीं गल्लां नहीं होईआं ते विच जिहड़ियां गल्लां हो जांदियां ओह गल्ल कुछ होर कही हुंदी आ गल बन के कुछ होर जाती है फिर गांह होर उतों तक पहुँचती गल होर बन जाती है सो मैं लगता एक कम्यूनीकेशन गैप भी यदा रीज़न हो सकता है ना सो इस करके मैं भी बड़ा ये बारे सोचा क्योंकि मैं भी कई बार मैं भी रिएक्ट कर दिता गलों पर मेरे को भी हो सकता किसी होर ढंग से गल पहुँचती होगी नहीं आने वाला देखो इस करके जो असी एक रह के लड़िया तो किसानी संघर्ष असी जित के आवेंगे पर एक बड़ा जरूरी है इस वे पुराना जो भी डिस्कोर्स चलिया भुल के एक रह के लड़िया नहीं मेरे को मैसेज कोई नहीं आया जी हजे तक पर यही है भी मैं तो अपनी स्पिरिट ही दिखा सकता तुम दिखाई है पर उगराहां साहब वालों कोई राज्यवाल साहब वालों कोई इन कोई मैसेज तुम आया हो बैठन का मीटिंग का गलबात करन का नहीं भाई जी कोई मैसेज नहीं आया पर यही है भी पहला मैं तो एक पहलकदमी दिखावा तो इज्जत बख्शा उन्होंने है ना या इज्जत देव आपस च खिंड गए सानू सरकार नू सवाल पूछने चाहिए सी भी तुसी दसो पहला तो तुसी बंदियां नू उधर नू तोरिया नहीं तो दिल्ली की 26 जनवरी नू किड्डी ज़्यादा सिक्योरिटी हुंदी आ बंदे चले किवें गए फिर लाल किले तो नॉर्मल दिन ते भी बहुत वड्डी सिक्योरिटी हुंदी आ घंटा पहला उस एरिया च प्रधानमंत्री सारे मंत्री होर फॉरन दे गैसट होण घंटे बाद ही विदिन उस घंटे दे विच इन्ने ट्रैक्टर इन्ने बंदे उत्थे पहुँच जाण थोड़ा सिक्योरिटी अरेंजमेंट की सी तुसी इहदा गिणी मिथी साजिश सी थोड़ी जो तुसी कीता सानू सरकार नू सवाल पुछने चाहीदे सी पर असी तां आपस च खिंड गए ते आपस च खिंड के तो फिर साडा ही नुकसान होया गिरफ्तारी दी सी कि तुहानू सरेंडर कीता तुसी नहीं इहनां गल्लां हुण केस ते डिपेंड करदियां मैं बहुत थावां ते कह चुके हां पर मेरे तो सीधा सवाल का जवाब ना पुछो क्योंकि वो मेरा जिहड़ा केस आ हजे भी कोर्ट च आ उन्होंने चार्जशीट पेश की आ चार्जशीट भी 3,300 पन्ने की है सो केस भी एक बार लड़ना पड़ा राजनीति अगर कोई लास्ट सवाल करिए अगर कोई पार्टी तुम ऑफर करती है तो दीप सिद्धू पार्टी जाएगा अगर चोन नहीं लड़ेगा तो पार्टी लिए प्रचार करेगा नहीं जी नहीं देखो दीप सिद्धू कोई यहोजी कमिटमेंट नहीं करेगा जिथे सिद्धांत तक गल साड़ी मेच ना खाती तो सिद्धांत तक वखरेवे हो सिद्धांत कॉम्प्रोमाइज करके असी किसी पार्टी च जाना तो नैशनल पार्टी तो किसी च जमा ही नहीं ना अपनी पार्टी बनाओगे नहीं मैं आपकी पार्टी नहीं बना सिधाणा नाल मिलके कोई नहीं देखो जे कदे कल नूं कुछ पंजाब च हुंदा जी जरूरत लोगों की आ असी तो साढ़े अर्गे चेहरे तो उन्होंने जज्बातों की तर्जमानी कर सकते सो इट्स टू अर्ली राइट है ना पर इतने सानू जिहड़ा कह दिए कि पोलीटिकल स्ट्रक्चर च वड्डी चेंज आऊगी मेरे ख्याल च ना हुण लखे नूं पीओए जिहड़ा करार देता है ना नहीं उन्होंने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार देता है ना भी वो करार देता तो उस की होया होना लुकआउट नोटिस भी जारी है जो लुकआउट नोटिस जारी हो जाता तो फिर किसी भी स्टेट की पुलिस फड़ सकती है पर मेरे ख्याल च लखे ने किया कुछ नहीं ये धक्का ही होगा लखे नूं पेश हो लेना चाहिए देखो ये भी स्ट्रैटेजाइज करना पैना होना क्योंकि इस तरह सलाह नहीं दी जानी ओपनली हाँ जी हाँ जी पर मैं थोड़ा ता ही कहना सानू सारी जी लिगैलिटी देखना पेगा लखे के पुराने केस भी वो अगले कटन गए मैं जितों तक गल सुनी है तो वह तो बहुत माड़ी गल है ना जो किसी बंद तंग करना नजायज़ तंग करना तो सानू बड़ी सारी सिचुएशन समझ के फिर ये डिसीजन लेना पैंता पर मैं ये लगता भी
ਨਜਿੱਠਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਗੱਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੜ ਰਹੇ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜੀ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਭਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਖੋਸਾ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਮਨਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਤਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਜੀ।